मुल्क भर में बिजली का बुरान संगीन हो गया। मुल्क भर में घंटों बिजली बंद होने से शहरी परेशान। बिजली के शार्टफॉल में रोज़ बरोज़ इजाफा। शार्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। कराची के इलाका गुलशन मेमार में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का एहतजाज। बिजली बहरान पर काबू कैसे पाया जाए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा और एनर्जी टास्क के सरबराह शेख खाकान अब्बासी और वज़ारतों के सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। इजलास में बिजली की लोड शेडिंग और कोयले के अफगानिस्तान से दरामद पर भी बात होगी। बिजली की पैदावार और ख़राब प्लांट्स पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। गर्मियों और लोड शेडिंग से सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। पहाड़ी इलाकों में आज और मैदानी इलाकों में हफ्ते को बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 से 5 जुलाई तक बारिशें होंगी। कराची में 3 से 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। वज़ीरे आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की अलबरदारी के खिलाफ मजीद समात आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। सदर और गवर्नर आइन का तहफ़ करते हैं, वो कैसे ऐनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने मुनारिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला दिया। वकील अजहर सदीक ने कहा कि अदालत ऐसा फैसला सुनाए जो तारीख में याद रखा जाए। वकील की सिंगल बेंच के मुतालिक के रिमार्क्स काला दम करार देने की भी इस्तदा। पाकिस्तान में ईद अल अज़हा इतवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क के किसी भी इलाके में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। अरब मुल्कों में ईद अल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, कुर्बानी करना भी मुश्किल हो गया। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। 20 किलो बकरे की कीमत 50,000, 40 किलो बकरे की कीमत 1,00,000 तक जा पहुंची। 30 मन तक की गाय और बैल की कीमत 1,50,000, 5 मन की 2,50,000 तक हो गई। बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत में मुकाबला जारी। इदारों को ना रहम, ना हुकूमत को तर्स। गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम के लिए बन गई आजमाइश। देहातों के साथ साथ शहरों में भी लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवियत करने की मंजूरी। कौमी असम्बली ने फिनांस बिल 2022-2023 कसर राय से मंजूर कर लिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ भी ख़त्म। टैक्स की नई शरह से मुतालिक तरमीम भी ख़त्म। बड़ी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स की भी मंजूरी। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल टैक्स लेने की शिक भी मंजूर कर ली गई। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 तक लेवी आयद। नास बिल एक्ट के तहत सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी ख़त्म। प्रोजेक्टर, स्क्रीन, डिजिटल लाउड स्पीकर और दीगर एशिया पर भी ड्यूटी ख़त्म। म्यूजिक डिजिटल सिस्टम और दूसरे आलात पर भी ड्यूटी ख़त्म।